तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल सरानी का पार्ट टू। ड्रैगन बॉल सरानी ड्रैगन बॉल सुपर के बाद की स्टोरी है और इस स्टोरी को लिखा है अशान एनिमे आर्ट ने और वुल्फ्सवेन 101 ने। अशान के बारे में स्पेशल बात यह है कि ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक आर्टिस्ट हैं, तो अशान को अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैं चैनल पर काफ़ी सारी फैन मांगा कवर कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट के टैब में आपको सारी की सारी स्टोरी सीक्वेंस में मिल जाएंगी, तो जाइए और अपनी फेवरेट स्टोरी देखिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ग्रैंड प्री सीड्रा और सुप्रीम गाय को आखिरी 90 टिक्स का समय देखे गए थे और अगर इस बीच में वो अपने यूनिवर्स का मॉर्टल लेवल नहीं बढ़ा पाते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा और उनकी जगह लेगा फ्रीजा और एक दूसरा कायोशिन जो कि ऑलरेडी ट्रेनिंग में है। पर यूनिवर्स 9 के सुप्रीम गाय के दिमाग में एक प्लान आ जाता है और ये प्लान होता है फ्रीजा को रास्ते से हटा देने का, क्योंकि अगर फ्रीजा ही नहीं होगा तो सीड्रा की जगह लेने वाला भी नहीं होगा। यूनिवर्स 9 का एंजल बोलता है कि राव सामा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं। सीड्रा बोलता है कि राव मुझे बताओ कि कंटेंडर ना होने से तुम्हारा क्या मतलब है। राव बोलता है कि सीड्रा सामा, अगर कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कंटेंडर ही नहीं होगा तो वो हमें रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। सीड्रा बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, पर एक कंटेंडर है, तुम भूल गए हो क्या। राव बोलता है कि हमें फ्रीजा को ख़त्म करना होगा। सीड्रा ये सुन के हैरान रह जाता है और यूनिवर्स 9 का एंजल भी ये सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। राव बोलता है कि सही सुना सीड्रा सामा, हमें फ्रीजा को ख़त्म करना होगा। हम सभी जानते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और कायोशिन ये दोनों पेयर में आते हैं। अगर फ्रीजा ख़त्म हो जाएगा तो जो काय ट्रेनिंग कर रहा है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा ही नहीं पेयर करने के लिए। हम ट्रेनिंग कर रहे सुप्रीम काय को इसलिए ख़त्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हर समय ग्वासो के साथ रहता होगा और इसीलिए हम उसके पास नहीं पहुँच पाएंगे। पर फ्रीजा हमेशा ट्रेनिंग के लिए मुसो को सामा की दुनिया में नहीं रहता होगा, तो हमारे पास चांस है कि हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। सीड्रा भी राव की बात मान जाता है और बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है, पर शायद तुम भूल रहे हो कि फ्रीजा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो उसे ख़त्म कौन कर पाएगा। एंजल सुप्रीम काय को और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को समझा नहीं पा रहा होता, इसलिए वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ग्रैंड प्रिंस इस चीज़ से खुश होंगे। राव बोलता है कि चिंता मत करो, हम किसी दूसरे बंदे से ये काम करवाएंगे तो ग्रैंड प्रिंस को ये कभी पता नहीं चलेगा। सीड्रा बोलता है कि क्यों ना हम हिट को हायर करें जो कि यूनिवर्स 6 से है, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और एक प्रोफेशनल असैसिन भी है। राव बोलता है कि नहीं, मेरे दिमाग में उससे भी बेहतर एक बंदा है, उसका नाम है केन जो कि यूनिवर्स 14 में रहता है और वो हिट का बेटा है। सीड्रा बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुझे याद है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लास्ट टाइम जब हम उससे यूनिवर्स 14 में मिले थे 601 साल पहले, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। राव बोलता है कि आप सही बोल रहे हैं, वो यूनिवर्स 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का राइट हैंड मैन है। यूनिवर्स 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिर्फ ने उसे खुद ट्रेनिंग दी है, तो शायद वो हिट से भी ज़्यादा ताकतवर है। सीड्रा बोलता है कि राव मुझे अपनी क्रिस्टल बॉल दो ताकि मैं सिर्फ से कॉन्टैक्ट कर सकूँ केन की सर्विसेज के लिए। राव सीड्रा को अपनी क्रिस्टल बॉल देता है। इसके बाद हम यूनिवर्स 14 को देखते हैं और यूनिवर्स 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल को देखते हैं। यूनिवर्स 14 की एक फीमेल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होती है और उसका नाम होता है सिरेफ और एंजल का नाम होता है नेयर। यूनिवर्स 14 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलती है कि अच्छा, तो तुम इसलिए केन को हायर करना चाहते हो। सीड्रा बोलता है कि हाँ, सही समझी। सिरेफ बोलती है कि सीड्रा, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे, तुम ऑलरेडी जानते हो कि मैं रेयर आइटम्स को कलेक्ट करती हूँ, तो तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है। सीड्रा बोलता है कि ये काम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने पास बचा हुआ लाश लियोसिना मौजूद दूंगा। सिरेफ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, जो पानी किसी भी इंजरी को हील कर सकता है, किसी भी सिकनेस को ख़त्म कर सकता है और किसी भी बंजर ज़मीन को फिर से उपजाऊ बना सकता है, तुम इतनी रेयर आइटम मुझे देने के लिए तैयार हो, लगता है तुम इस फ्रीजर को जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहते हो। सीड्रा बोलता है कि सिरेफ, तुम ऑलरेडी जानती हो कि जिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को उनकी पोजीशन से हटाया जाता है उनकी पनिशमेंट इरेज होने से भी ज़्यादा बदतर होती है। सिरेफ बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, मैं केन को उसके काम की डिटेल्स पहुँचा दूँगी और उसे एक क्रिस्टल बॉल भी दे दूँगी ताकि वो डायरेक्टली तुम्हें रिपोर्ट कर पाए, तब तक तुम जल्दी से मुझे गॉड मेल के ज़रिए लियोसिना म्यूज़ो पहुँचा दो। सीड्रा बोलता है कि ठीक है, मैं वो तुम्हें अभी पहुँचा देता हूँ। इसके बाद सिरेफ अपने एंजल नायोर से बोलती है कि नायोर, क्या तुम केन को उसकी ट्रेनिंग से बुलाओगे और उसे फ्रीजा की सारी डिटेल्स भी भेज दो। नायोर बोलता है कि ज़रूर सिरेफ सामा। इसके बाद नायोर केन को कॉन्टैक्ट करता है और बोलता है कि केन, मैं तुम्हें तुम्हारे नेक्स्ट काम की डिटेल्स भेज रहा हूँ, तुम्हारा अगला काम यूनिवर्स 7 में है, जितना जल्दी हो सके सिरेफ सामा के वर्ल्ड में आओ।
इसके बाद हम देखते हैं कि केन कौन है। केन असल में हिट का बेटा होता है और ये यूनिवर्स 14 के रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम में होता है। वो बोलता है कि आखिरकार ऐसा जॉब मिल ही गया जो मेरे लायक है। केन सिर्फ का पर्सनल हिटमैन भी है। इसके बाद हम वापस यूनिवर्स 7 में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, पिकलो और गोटेन और ट्रंक्स, ये तीनों बीएस के प्लैनेट पे होते हैं। वीस गोटेन और ट्रंक्स से बोलता है, बच्चों ये वेट्स लो और फॉरेस्ट तक जाने की कोशिश करो और सुपर सैयन में मत बदलना। ट्रंक्स बोलता है कि ठीक है, ये तो काफ़ी आसान होगा। गोटेन बोलता है कि सही कहा। वीस बोलता है कि पिकलो आपको भी सेम चीज़ करनी है। पिकलो बोलता है कि ज़रूर। इसके बाद वीस गोकू से बोलता है कि गोकू यहाँ पर अपने दोस्तों को लाने की आदत मत बनाना। मैं जानता हूँ कि तुम लोग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना लेकर आते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हारे लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये बीरस सामा का प्लैनेट है। गोकू बोलता है कि वैसे इन लोगों को यहाँ पर लाने का आइडिया वेजिटा का था। वेजिटा बोलता है कि कैकरोट मुझ पे ब्लेम लगाने की हिम्मत भी मत करना। वीस बोलता है कि अब जब वेजिटा की बात आ ही गई है तो मैं देख रहा हूँ कि वेजिटा पूरे एक साल से लगातार ट्रेनिंग कर रहा है और मुझे लगता है कि तुमने अपनी ट्रेनिंग लगातार नहीं करी है और इसी वजह से वेजिटा अब तुमसे आगे निकल चुका है। गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा अगर ऐसा है तो क्या मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहोगे। वेजिटा बोलता है कि ज़रूर, अगर तुम्हारा हारने का इतना ही ज़्यादा मन है तो ज़रूर। इतने में वीस पिकलो से बोलते हैं कि पिकलो मैं जानता हूँ कि आपके पास इन लोगों की तरह कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो आप अपनी घी को नहीं उतार सकते हैं। पिकलो बोलता है आप जानते हैं कि मेरे कपड़े कितने भारी हैं। ट्रंक्स और गोटेन वेट को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर दोनों ही वेट को नहीं उठा पा रहे होते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि ये इतना भारी क्यों है। गोटेन बोलता है कि आखिर बना किस चीज़ से है। वीस बोलता है कि मुझे तो लगा था तुम बॉयज़ बोल रहे थे कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी आसान होगा। पिकलो बोलता है कि अरे गोकू और वेजिटा यहाँ पे किस तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा भारी है, मैं तो इसे ज़रा सा भी नहीं उठा पा रहा हूँ। इतने में हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अपना स्पारिंग सेशन शुरू कर देते हैं। इसके बाद वीस गोकू और वेजिटा को देखता है और बोलता है कि अरे ये क्या, इन लोगों ने तो फिर से लड़ना शुरू कर दिया और बीरस तो अभी सो ही रहे हैं, चलो अब कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद वीस गोकू और वेजिटा से बोलता है कि गोकू वेजिटा अब तुम लोग लड़ ही रहे हो तो ऐसा करो कि अपनी पूरी ताकत पे लड़ो ताकि ये मैच जल्दी ख़त्म हो जाए। वीस गोकू से बोलता है कि गोकू इससे तुम देख पाओगे कि वेजिटा और तुम्हारी ताकत में कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। गोकू वीस से बोलता है कि वीस वैसे तो ये मेरा स्टाइल नहीं है पर ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि वेजिटा कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया है, तो कोई बात नहीं मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूँगा। ट्रंक्स और गोटेन अपनी ट्रेनिंग को रोक देते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि पहले मैं ये फाइट देखना चाहता हूँ। गोटेन बोलता है कि हाँ जब ये दोनों हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे तब इन लोगों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था तो मैं इस फाइट को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पिकलो बोलता है कि चलो देखते हैं कि वेजिटा पहले के मुकाबले कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया है और क्या उसने सच में गोकू को पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों पावर अप करते हैं। दोनों के दोनों ही अपनी सुपर सैयन ब्लू की फॉर्म में चले जाते हैं पर गोकू और वेजिटा की फॉर्म में डिफरेंस है। वेजिटा ट्रू सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में होता है जबकि गोकू सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में होता है। गोकू इस फॉर्म को पहली बार देख रहा होता है और बोलता है कि वेजिटा तुम्हारी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म काफ़ी अलग लग रही है। वेजिटा बोलता है कि कैकरोट जब तुम फार्मिंग कर रहे थे और रिलैक्स कर रहे थे मैं ट्रेनिंग कर रहा था और तब मैंने ये फॉर्म अचीव करी है और मैं इसे कहता हूँ ट्रू सुपर सैयन ब्लू फॉर्म। पिकलो ये नाम सुन के हैरान होता है और बोलता है कि ट्रू सुपर सैयन ब्लू फॉर्म। वीस गोकू से बोलता है कि गोकू थोड़ी देर पहले मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। वेजिटा ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान सुपर सैयन ब्लू फॉर्म का असली पोटेंशियल रिलीज़ कर दिया है और ये सुपर सैयन ब्लू फॉर्म अभी की सुपर सैयन ब्लू फॉर्म से बहुत ज़्यादा ताकतवर है जो फॉर्म तुम इस्तेमाल कर रहे हो। और इसके अलावा ये फॉर्म ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल भी की जा सकती है क्योंकि ये नॉर्मल सुपर सैयन ब्लू फॉर्म की तरह स्टैमिना ज़्यादा ड्रेन नहीं करती है। शायद तुम ये भी देख पा रहे होगे कि वेजिटा पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यंग भी लग रहा है। ये सुपर सैयन गॉड फॉर्म की तरह है जो कि तुम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हो। वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकरोट मैं ये बात मानना तो नहीं चाहता पर इस फॉर्म को अचीव करने के लिए मैंने तुम्हारे तरीके का इस्तेमाल किया है। मैंने खुद को काम रखने की कोशिश करी और सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में उतने लंबे समय तक रहा जितने समय तक मैं रह सकता था, यहाँ तक कि सोते समय भी। शायद तुम्हें याद होगा कि तुमने ये तरीका सेल के खिलाफ इस्तेमाल किया था, तुमने ये तरीका सुपर सैयन को मास्टर करने के लिए इस्तेमाल किया था और मैंने ये तरीका सुपर सैयन ब्लू को मास्टर करने के लिए इस्तेमाल किया। और जब मैं पूरी तरीके से खुद को शांत रखने में कामयाब हो गया और सुपर सैयन ब्लू को पूरे दिन तक मेंटेन करने में कामयाब हो गया उसी समय मैंने ट्रू सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को अचीव कर लिया। इसके बाद गोकू एकदम से वेजिटा पे अटैक करना शुरू कर देता है। गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा देखते हैं कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। गोकू वेजिटा को पंच मारने की कोशिश करता है पर वेजिटा गोकू के अटैक को बड़े आराम से डॉच कर देता है। वेजिटा को गोकू के अटैक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वेजिटा स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद वेजिटा गोकू को पंच मारता है
जिस पंच को गोकू बड़े मुश्किल से रोक पाता है। गोकू के चेहरे से पता चल रहा होता है कि वो काफ़ी दिक्कत में है। गोकू वेजिटा को किक मारने की कोशिश करता है, पर वेजिटा गोकू से दूर चला जाता है और खुद को बचा लेता है। अब गोकू और वेजिटा आमने सामने खड़े होते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर वेजिटा जानता है कि वो गोकू से ज़्यादा ताकतवर है और गोकू भी वेजिटा की ताकत को समझ रहा है। जैसे ही गोकू और वेजिटा एक दूसरे के नज़दीक पहुँचते हैं, वैसे ही वेजिटा गोकू के चेहरे पर बहुत ज़ोरदार कोनी मारता है और इससे गोकू को काफ़ी चोट लगती है। गोकू पीछे जाके गिरने लग जाता है, पर वो हवा में ही खुद को संभाल लेता है। वेजिटा उसके पास पहुँच रहा होता है और उसे लात मारने वाला होता है। जैसे ही वेजिटा उसे लात मारने वाला होता है, गोकू खुद को संभाल लेता है और एकदम से हवा में उड़ जाता है। गोकू को लग रहा होता है कि वो वेजिटा से बच गया है और वो ज़मीन की तरफ देखता है, पर उसे वेजिटा कहीं भी नहीं दिखता। वेजिटा उसके पीछे आ गया होता है और वेजिटा बिल्कुल शांत होता है। वेजिटा गोकू की नेक पे काफ़ी ज़ोरदार अटैक करता है और इससे गोकू को काफ़ी चोट लगती है। पिकलो बोलता है कि ये तो कमाल की बात है, वेजिटा और गोकू दोनों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर गोकू अभी तक वेजिटा पे एक भी अटैक नहीं कर पाया है। वेजिटा की स्पीड पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये कमाल है। इसके बाद वेजिटा एकदम से गोकू के सामने आ जाता है और उसके पेट में ज़ोरदार लात मारता है। जैसे ही गोकू का ध्यान बढ़ता है, वैसे ही वेजिटा गोकू के पीछे आ जाता है और दोनों हाथ मिला के उसे ज़ोरदार घुसा मारता है। गोकू ज़मीन पर जाकर टकराने वाला होता है, पर वो खुद को पहले ही रोक लेता है। गोकू को काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है, पर वो वेजिटा की ताकत की रिस्पेक्ट करता है। वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकरोट, अब तुम शायद समझ गए होगे कि हम दोनों की ताकत में कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। तुम लड़ने के साथ साथ अपने ब्लू ऑरा को अपने अंदर कंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चीज़ को पहले ही मास्टर कर चुका हूँ। गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, मैं सच में तुम्हें मान गया, तुम कमाल हो। मैं समझ गया हूँ कि मैं अपने करंट लेवल पर तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ। इसके बाद गोकू पावर डाउन कर लेता है और बोलता है कि चलो फिलहाल के लिए काफ़ी है, अब अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ट्रंक्स वेजिटा को जीतते हुए देख के खुश हो रहा होता है और बोलता है कि देखा, मेरे डैड सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। गोटन बोलता है कि मेरे डैड रेगुलर ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, अगर वो कर रहे होते तो मेरे डैड ही जीतते, वो तुम्हारे डैड से ज़्यादा ताकतवर होते। गोकू और वेजिटा की फ़ाइट देखने के बाद पिकलो सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो बोलता है कि इन दोनों की फ़ाइट इतनी धमाकेदार थी कि अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा यहाँ पर आना सही फैसला था भी या नहीं। गोकू और वेजिटा तो दोनों ही बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। वीज गोकू से बोलता है कि गोकू, अब तुम देख चुके हो कि वेजिटा की ताकत तुमसे कितनी ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वही ट्रेनिंग करो जो वेजिटा ने करी थी ट्रू सुपर सैयन ब्लू को अचीव करने के लिए। तुम अभी भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए यही बेस्ट गोल रहेगा कि तुम ट्रू ब्लू फॉर्म को अचीव करो। हो सकता है कि ये ट्रेनिंग तुम्हें तुम्हारी लिमिट्स तक पुश कर दे और तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी अचीव कर पाओ। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 में फ्रीजर की शिप पर जाते हैं जो कि स्पेस में होती है। फ्रीजर के पास एक शख्स खड़ा होता है जो कि छुपा हुआ होता है। फ्रीजर उस शख्स से बोलता है, तुम यहाँ तक मेरे गार्ड से छुपते छुपते आए हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे बात करने आए हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ये केन होता है, यानी कि हिट का बेटा। वो फ्रीजर से बोलता है कि तुम सही हो, मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ। तो दोस्तों, आज का ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर अभी आया नहीं है, और जैसे ही ड्रैगन बॉल सोलाने का नेक्स्ट चैप्टर आएगा, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आप लोग आशान को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि मैंने अपना गेमिंग चैनल शुरू कर दिया है और उस चैनल का नाम है CVG गेमिंग। वहाँ पर मैं ऑलरेडी वीडियोज़ डालना शुरू कर चुका हूँ, तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।